हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अभी हम लोग पहुंच गया ईटानगर का गोम्पा में। मेरा हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड। माफ नमस्ते, नमस्कार सबको, गुरु का प्रणाम। वंस अगेन वेलकम बैक टू 5XL गुरु के। हम लोग आया हुआ है युवा कार्यशाला 2022 में, सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो युवा कार्यशाला है, इसमें 3 दिन का वर्कशॉप था, MMA का, पेंटिंग का और ब्रेकिंग का। This is the prelims. Out of it, top 16 will be selected for the battle. Iske baad battle hoga. This is Yuva Karyashala 2022. Yuva Karyashala. Okay. Oh. This is the selection from the. उसको बनाया ना अदर देन लुइस। गाइस बेंगे दमो। अभी आप लोग को दिखाता है यहाँ का क्लोथ। एज फार एज माई नॉलेज, यहाँ में चल रहे जो है खुद से अरुणाचल के खुद का वो है ना फैशन डिजाइन, पता नहीं, आई डोंट हैव द वर्ड बट यू गेट द आईडिया राइट। ब्रांड का नाम तो बता दो। लुक्स, इट्स लुक्स, लुक 21, लुक्स नहीं सॉरी, लुक 21 स्ट्रीट वेयर ब्रांड। वी हैव दिस कूल टी शर्ट, इसको हम देखा था कल अस्करिक पहन के आया था। देन वी हैव इंडिजीनियस स्ट्रीट 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 ओ बैक में भी है दिस कूल वन। Really loving this outfit and rocking it right now. Look 21, that's for you. Look 21, that's for you. First of all, good evening everyone and welcome to Yuva Karyashala 2022. My name is Sagar Rai and I'm the organizing secretary of this event. So first of all, I would like to welcome all the guests, all the faculty members and participants. What's up? Tum kahan par ke? Niche. Judges, let us know who goes to top 8 in 3, 2, 1. B-Boy Gone! We have Shillong versus Manipur. Who goes to top 8. Judges, let us know in 3, 2, 1. And yes, I hate to be the host right now because the last top 16 battle is between same crew, same brothers. Representing Bhutan, both of them. An official Bhutanese B-Boys are here at Yuva Karyashala 2022. Yes, ladies and gentlemen,
Sincerely, you are watching Yuva Karyashala 2022. Yes. I would like to welcome on the stage. Sorry, I'm calling you. Ladies and gentlemen, please give it up for Sincera Crew. बहुत danger हो गया था. Sony नहीं आया क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम AGT में नहीं है ना इसलिए. हम आते ही थे AGT. Finale में भी आएगा. वो ऐसे ही है. Our special guest. CEO Smart City Daisano ji हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ पर, तो can we have a huge round of applause for them? He माने. Distinguished guest, honorable Mr. Sir Mama Yatung Sir of Sports and Youth Affairs WRD and और इन्हें सम्मानित कर रहे हैं अपने हाथों से युवा कार्यशाला के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, और इन्हें भी सम्मानित कर रहे हैं अपने हाथों से हमारे शो के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन के डायरेक्टर नन अदर देन मिस्टर तामिम वैली. एक बार जोरदार ताली हो जाए. तो युवा कार्यशाला का वो जो इवेंट है वहाँ से सीधा जंप करके पहुँच गया जीरो, और मेरा पीछे जो देख रहे हैं वो है ZFM का ग्राउंड जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है. तो फिर आप लोग कुछ सोचेगा कि बार बार जीरो ही क्यों, तो जीरो में ना मेरा फैमिली रहता है, तो उसके लिए हम आया हुआ है. आते रहते जीरो, बस व्लॉग में कभी कभी दिखाता है क्योंकि जीरो में और कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए. आपको यहाँ का जो शिवलिंग है वो दिखा दिया, सीखे लेक दिखा दिया, और यहाँ का जो गेस्ट हाउस है ओल्ड जीरो में हिल टॉप में वो दिखा दिया, और क्या बचा है यहाँ पे काजा रिजोर्ट दिखा दिया, ZFM का जो फेस्टिवल ग्राउंड है वो दिखा दिया, आई थिंक मनी बुलियांग भी दिखा दिया कोई ना कोई व्लॉग में. तो हमको लगा था कि जीरो में अभी ऑलमोस्ट दिखाने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट आपको दिखाई चुका है जीरो का जितना मेन लोकेशंस है टूरिस्ट लोग के लिए. बट अभी सुनने में आया है कि और एक नया लेक निकल के आया है जिसका नाम है सी लेक. ये एक वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसका चलते ये लेक बनाया गया है, और सुनने में आया है कि ये लेक जो है सीहे लेक से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत भी है. तो अभी हम चलते हैं सी लेक का तरफ में. तो बाय द वे आप सबको और एक बार बता देना चाहेगा, राइट नाउ आई एम इन जीरो जो कि है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, और ये जो जीरो है यहाँ पे अपातानी ट्राइब का आदमी लोग रहता है. तो अगर आप लोग हापोली साइड से आ रहा है इस तरफ ऑल जीरो का तरफ, तो जहां से ये ZFM ग्राउंड के लिए एंट्री करता है वहां से एंटर करना है राइट साइड. ये ब्रिज का तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी राइट साइड. उस तरफ हो गया ऑल जीरो, इस तरफ हो गया ZFM ग्राउंड. तो यही दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएगा तो आपको ZFM का फेस्टिवल ग्राउंड मिलेगा, और वहाँ स्ट्रेट से भी आप सी लेक जा सकता है, बट वो थोड़ा लंबा पड़ेगा. तो हम लोग जाने वाला है यहाँ से अभी लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड. तो हम जाएगा अभी लेफ्ट हैंड साइड. कुछ देर आगे आने के बाद आपको ये चाराली मिलेगा, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, बट हम लोग को जाना है स्ट्रेट. याद रखना आप लोगों को सी लेक जाने के लिए स्ट्रेट जाना है.
यहाँ से हम लोगों को फिर से जाना है स्ट्रीट, इस तरफ है जहाँ ड्री सेलिब्रेशन होता है, उसका जो ग्राउंड है वो अंदर तरफ है, बट हम लोगों को जाना है स्ट्रीट सी लेक के लिए। वहां पर साइन बोर्ड भी था वे टू सी लेक करके, साइड 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 या फिर साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से फिर लेना है लेफ्ट। बस ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है साइन बोर्ड में, इसको फॉलो करते जाओ, उसके बाद पहुंच जाएगा सी लेक। तो गाइस ये पहुंच गया हम, और टिकट भी ले लिया, एंट्री के लिए 20 रुपीज और गाड़ी का पार्किंग के लिए 10 रुपीज, तो टोटल 30 रुपीज लिए। चलो अभी अंदर चलते हैं। तो ये जो लेक दिख रहा है ये सी लेक, और इसका इनॉग्रेशन जो है वो जून को ही हुआ है, जून 1 तारीख ऐसे को। और मेरा पीछे आप जो देख रहा है वहाँ पे काउंटर है, और यहाँ आप आके बोटिंग भी कर सकता है। दोनों टाइप का बोट मिलेगा आपको, एक पैडल बोट भी है और एक मोटर बोट भी है। तो पैडल बोट में जाने के लिए 50 रुपीज, और वो जो मोटर बोट दिख रहा है आप वहाँ पे, उसके लिए पर पर्सन 100 रुपीज। अभी तक ड्रोन फ्लाई किया ही था कि पूरा बारिश आ गया, बारिश और धूप जो एक साथ दे रहे हैं, तो थोड़ा देर वेट करता है। तो गाइस बारिश देना स्टॉप नहीं हुआ, इसलिए सी लेक से निकल के आ गया। और ये सब एरिया आप जितना देख रहे हो ना मेरा चारों तरफ, ये अभी तो आपको पूरा जंगल लग रहा होगा, बट जैसे ही फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा ये जितना लोकेशन आप देख रहे हैं इसमें पूरा कैंप साइट बन जाएगा। तो वैसे तो जीरो में बहुत सारा होटल, टूरिस्ट लॉज, होम स्टे वगैरह है, बट देन आपको कैंप साइट में रह के टेंट में रहने का अगर एक्सपीरियंस करना है ZFM का टाइम पे, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक का टाइम पे, तो आप लोग स्क्रीन पे दिया हुआ है कुछ डिटेल्स, वाइल्ड हॉर्न करके हैं, इनका भी एक कैंप साइट लगने वाला है। ये मेरा अपना कज़न भाई का है जिसमें हम भी साथ दे रहे हैं, तो आप स्क्रीन में देख लो, डिटेल पूरा दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट डिटेल पूरा दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट करके अपने लिए एक टेंट बुक करा सकते हैं। और ये जो लोकेशन, ये जो कैंप साइट का लोकेशन होगा,
ये फेस्टिवल ग्राउंड से ओनली 5 मिनट्स का डिस्टेंस पे होगा। आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलेगा, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने मत भूलेगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, इस बार के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको मेरे अगले व्लॉग में मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 5XL गुरु ज्ञान।